हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के विषय पर हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यूपी कैटेट एग्जाम जो होता है, आप सभी को पता है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वही अपना एग्जाम दे सकते हैं, और हर स्टेट का एक अपना एग्जाम होता है, वो कोई भी स्टेट हो और उसका कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो स्टेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका 18 अगस्त को दिया है, लेकिन यहाँ पर इस विषय पर हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि बच्चे लोग काफ़ी, ये सवाल है, जब से एडमिट कार्ड इशू होने की डेट आई है 6 अगस्त से, फिर भी काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या एग्ज़ाम पॉसिबल है। पहला सवाल। दूसरा सवाल उनका है, सर एग्ज़ाम पॉसिबल है तो हम लोग इतने कम समय अब बुक्स का कैसे रिविज़न करें। अगला सवाल है कि सर क्वेश्चन कितना आता है और कितने नेगेटिव मार्किंग, कितना टारगेट करें हम लोग तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन पेपर टाइप कैसे आता है। एक सवाल उनका है, सर एग्जामिनेशन हॉल में कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें तो हमारा क्वेश्चन अच्छा सॉल्व हो और हम ज़्यादा ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट हमने भी यहाँ पर ऐड किए हैं कि बच्चों के सवाल में, कि कुछ और भी सवाल हो सकते हैं आपके, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का जो क्वेश्चन है वो मेरा सवाल है, कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ अगर ये सवाल हम लोग सॉल्व कर देंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, तो हम लोग इस विषय पर, इन मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि एग्ज़ाम आपका 100% होना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी, एग्ज़ाम डेट किसी की भी आ सकती है, मान लीजिएगा कंडीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड इशू डेट आ गई है तो एग्ज़ाम आपका 100% 18 अगस्त में ही होना तय है, क्योंकि ये स्टेट का एग्ज़ाम होता है। सेंट्रल एग्ज़ाम ICAR में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंटर होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं होते हैं, 5-6 शहर में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सोशल डिस्टेंस का पालन करने पर। ठीक, तो यहाँ पर पहला सवाल आपका ये श्योर हो गया कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 100% श्योर होगा। ठीक, एग्ज़ाम होगा हमारा 100% होना तय है। सेकेंड नंबर पर बात हमारी ये आती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में और कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर यहाँ पर बात यह है, यूपी कैटर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, हम लोग बात करेंगे PCM और PCB के लिए, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होते हैं और मैथ और बायो का जो पेपर आता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आती है वो कॉमन होती है, जो फिजिक्स यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट्स होगा वही बायो के लिए होती है, डिफरेंस केवल होता है मैथ और बायो में। तो फिजिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन आता है 50 आता है, केमिस्ट्री 50 आता है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है 80 आता है, और यहाँ पर GK क्वेश्चन जो आता है वो 20 क्वेश्चन आता है। ठीक, अब कई बच्चे बोले सर GK के लिए हम लोग अब क्या करें। देखो, मैं बहुत पहले से आप लोग समझाता आ रहा हूँ, बेटा अपनी तैयारी जो है हमेशा बिल्कुल उसको कंपलसरी रखें और उसको कंटिन्यू करें, ताकि एग्ज़ाम कोई भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, परिस्थितियाँ आज अगर ख़राब हैं तो कुल मिलाकर के अचानक वो सही भी हो सकती हैं। ठीक, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट रखिएगा, आप एग्ज़ाम के बीच में छोड़ क्यों देते हैं। पहला सवाल मैं देखता हूँ ये चीज़ है कि बच्चों में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बहुत खुशी रहती है, जैसे एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो जाता है तो वो अपनी तैयारी वहीं पर बंद कर देते हैं। मैं कैसे जानता हूँ, मेरे यहाँ कई बच्चे स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास में, तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट नहीं देगा तो मैं उसका परफॉर्मेंस देखता हूँ कि यहाँ पर अच्छे की बच्चे की परफॉर्मेंस पहले अच्छी आती थी, अब क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ तो बोलता है सर अभी एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो गया है। ये मुझे लग रहा बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है, और जो जिन लोगों में नेगेटिव थिंकिंग ही थी आज उसी का नतीजा है, वो इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही डिप्रेशन में है। मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि मुझे लग रहा उनको ऐसे तसल्ली कुछ होगी कि एग्ज़ाम को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की खुशी ना मनाएं, उसका दुख मनाएं कि यह हमारा बहुत ही ये दुखी घटना है, जो साल भर की हमारी मेहनत है वो बेकार जा रही है। अगर ये बेकार चले जाएगी तो पूरा साल चला जाएगा, आप खुशी मनाइए कि परिस्थितियाँ जल्दी सही हो जाएँ, हमारा एग्ज़ाम हो और हम अपना करियर बनाएं। ठीक है, यही एक पॉजिटिविटी सोचने का तरीका होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और एक जो क्वेश्चंस होता है, जो वन क्वेश्चंस आता है, ठीक है, जो वन क्वेश्चंस होता है वो आपका होता है 3 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स का टोटल हो गया 600। ठीक, अब एक क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर -1 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, निगेटिव मार्किंग कितने की, -1। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 है, तो एक क्वेश्चन आपका कितना टोटल माइनस करेगा, 4 नंबर। अब यहाँ पर बच्चे काफ़ी समझ नहीं पाएंगे कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपके 4 नंबर काटे जाएंगे। कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है 110 क्वेश्चन किया है,
ठीक। अब 110 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, ये कितना हो गया 330 नंबर आपके आ गए। हो सकता है 330 आपके बिल्कुल सही हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। 330 नंबर बहुत होते हैं, हालांकि एग्जाम जो इस बार करा रहा है वो हमारा CSA करवाएगा। अब हमारा इसलिए बोलते हैं चूंकि हम कानपुर में रहते हैं, इसलिए कानपुर में यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं भाई हमारी यूनिवर्सिटी है, अब वहीं तो रहते ही हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, ये राज्य सरकार की है। तो जो इस बार जो यूनिवर्सिटी कराएगा वो आपका CSA यानी चंद्रशेखर आज़ाद करा रहा है, ठीक। तो इस यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है वो बहुत ही इजी पेपर आता है। जब पेपर इजी आता है तो वहाँ पर मार्किंग कई बार ऐसा होता है कि 130 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन के लाले पड़ जाते हैं, तो आपको टारगेट हाई रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा जनरल, मान ली अगर आपकी सही है तो हो सकता है आपको इतने नंबर पर कोई मेरठ यूनिवर्सिटी या फिर बांदा यूनिवर्सिटी मिल सके। अब सवाल यहाँ पर क्या है, अगर आपने इतने क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, 5 क्वेश्चन या मान ली 10 क्वेश्चन गलत कर दिया इसमें से, तो एक क्वेश्चन कितना जाएगा 4, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे यहां पर 40 नंबर, तो 10 × 40 अब देख लीजिएगा यहीं पर फट से आपके 40 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहां पर कितने क्वेश्चन बचे, यहां पर 290 आपके नंबर आ गए इतने। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचा जाए, आपको वही क्वेश्चन करना है जिस क्वेश्चन पर आपको अच्छे से कमांड है, ठीक। तो यहां पर यह बात होगी हमारी क्वेश्चन को लेकर के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, इतना क्वेश्चन आता है। अभी हम बताते हैं टारगेट कितना रखना चाहिए, जो कॉमन सी बात थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये हमारा पोर्शन है मैथ और बायो वाले का। मैथ वाले बच्चे का सबसे बड़ा पोर्शन है मैथ, बायो वाले का सबसे बड़ा पोर्शन है बायो। अगर भैया बच्चा बायो का है तो बायो के साथ वो अपना केमिस्ट्री को जबरदस्त बना ले तो इतने में उसका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब आप कहेंगे सर आपने फिजिक्स के बारे में बात ही नहीं की, बच्चे फिजिक्स बहुत डरते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब जो कम समय है उसमें आप कैसे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आपकी प्लस वाली बात है। अगर आपका सिलेक्शन बायो के स्टूडेंट्स है और बायो का नंबर अगर 150 क्वेश्चन अच्छा आता है तो बायो में एग्रीकल्चर में वेटनरी से अच्छा कोई भी कोर्स नहीं है बायो स्टूडेंट्स के लिए, बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि वो इतना अगर कोर्स इसका रिवीजन जमकर करे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का भी कर ले जाए, तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को 130 क्वेश्चन पर हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैथ वाले बच्चे के लिए, मैथ वाले का सबसे बड़ा पोर्शन है मैथ। जिसका बच्चे का मैथ अच्छा होता है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होती है, ऐसा हमने एनालिसिस किया है, और जिसकी बायो अच्छी होती है केमिस्ट्री अच्छी होती है। तो जो स्टूडेंट बायो वाला होता है वो केवल बायो केमिस्ट्री पढ़ता है, उसको पेपर जब कराते सबसे पहले बायो करता है, फिर केमिस्ट्री आता है, लास्ट सबसे लास्ट में फिजिक्स जाता है। कुछ बच्चे फिजिक्स करते भी नहीं, हालांकि बिना फिजिक्स किए सिलेक्शन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर आप मार्किंग ज़्यादा जाएगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमारा कहना ये है आप इन विषयों को ढंग से पढ़ें बिल्कुल श्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना हो, और कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ भी कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो सकता है, ठीक। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको टारगेट कितना करना चाहिए, कितना क्वेश्चंस का, इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बुक्स के बारे में, ठीक है। देखिए GK की जो बुक आती है वो एक बुक आती है PMC श्रृंखला के नाम से, आप उस बुक को पढ़ लें PM श्रृंखला के नाम से। अब हालांकि इतना कम समय है तो हम लोग PMC नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं। GK में क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप कोई बुक नहीं पढ़ेंगे तब भी आप 8 से 10 क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे अभी इसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे टारगेट बेस पर, कितना हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो टारगेट है वो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिएगा जनरल कैंडिडेट है, फॉर जनरल कैंडिडेट मतलब जो सामान्य वर्ग का है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट अगर जनरल कैंडिडेट है तो कम से कम उसको 150 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, इतना उसको टारगेट है। चूंकि CSA यूनिवर्सिटी में जब पेपर बनता है तो कई बार ऐसा हुआ कि 140 क्वेश्चन पर भी CSA नहीं मिलता है, हम ये टारगेट वो बता रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी बात, चूंकि मैथ और बायो बच्चे जो होते हैं, अब यहाँ पर सीटें रिजर्व नहीं है कि एग्रीकल्चर के अलग हैं, मैथ की अलग हैं, बायो की अलग है, ऐसा तो है ही नहीं, कंबाइंड सीटें हैं, जिसका जो नंबर आएगा वही सीट पाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बायो वाले बच्चे 1 से लेकर 80 तक लगातार बायो वाले बच्चे, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर बच्चा नहीं है,
ठीक। तो यहाँ पर आपको टारगेट को पाना है किस तरीके से, तो यहाँ पर जनरल की हम लोग बात करते हैं, फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो बात आएगी वो होगी फॉर ओबीसी के लिए। अगर कैंडिडेट ओबीसी है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होगा वो कम से कम मिनिमम उसको जो है 120 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिनिमम उसको इतना टारगेट करना पड़ेगा तब उसको मिलेगा। अगर कैंडिडेट एससी है तो हो सकता है उसको 100 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाए, अगर कैंडिडेट एसटी है तो कम से कम उसको 90 प्लस करना पड़ेगा, मतलब इतने में उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पानी है तो आपको 100 सभी बच्चों को 140 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई टारगेट बेस को लेकर के। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, ठीक, कि आपको बुक्स कौन सी यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बुक्स को लेकर के, अब चूंकि बुक्स का मामला पता गया है, अब अगर कोई हम बुक पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है हम सिलेक्शन में होगा कभी नहीं और गड्ढे में गिर जाएंगे। अब मुझे कोई भी न्यू बुक नहीं पढ़नी है, आपने जो बुक पहले से पढ़ी थी आपको उसी को स्टडी करना है। बुक्स को क्या पढ़ना है, अगर हो सके तो डेली आप 100 से 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो 100 से 200 क्वेश्चन बायो दिन में लगाएं, शाम को आप ज़्यादा ना पढ़ें देर रात तक, शाम को जब कई देर रात तक हम जगते हैं तो चीज़ें मोस्टली जो दिन में बीतती रहती हैं वो हमें शाम तक याद आती रहती हैं, ऐसा एक प्रैक्टिकल है, हमने ऐसा देखा है। तो इसलिए आप शाम को जल्दी सो जाएं, आप सुबह उठें जल्दी तड़के, सुबह 3 बजे लेकर के सुबह लगातार आप पढ़ें कंटिन्यू जो है करीब 7-8 बजे तक, बीच में गैप लेकर के, ठीक। और केवल रिवीजन आप करें, रात में केवल आप रिवीजन करें, दिन में आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लगाते हैं तो कई बार इधर उधर की आवाज़ आती है या कोई डिस्टर्ब करता, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन अगर रिवीजन करते टाइम अगर कोई बोल दे बीच में तो पूरा काम खराब हो जाता है। ठीक, तो मेरा ये मानना है कि आप सुबह के टाइम पर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली सबसे पहले बायो पढ़े, बायो इतना पढ़े उसको 80 में 75 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हों, फिर इसके बाद वो केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री में ऐसा पढ़े कम से कम वो 40 प्लस करेक्ट करे, कुछ उसको टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने हैं, जैसे कुछ फिजिक्स जो भी उसने पढ़ा अभी तक वो रिवीजन के अलावा आप कोई चैप्टर ना पढ़ें। आप चैप्टर ना पढ़े मतलब क्या है, केवल आप रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या होगा, अगर हम साल भर पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं किया है तो सब एकदम गोबर मिल जाए, कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। ठीक, तो मेरा मानना यह है कि आप केवल रिवीजन करें और उसके अलावा कोई काम ना करें, रिवीजन करें उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन लगाएं, अगर टाइम नहीं मिले तो केवल रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना, आपको यही हथकंडा अपनाना है, दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं करना है, केवल रिवीजन करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, अगर आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन लगाना है, टाइम नहीं मिलता तो केवल आप रिवीजन करें। ठीक, एक दिन में आपको 2 से 3 चैप्टर का डेली रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का, 2 से 3 केमिस्ट्री का, 2 से 3 फिजिक्स में, 2 से 3 बायो का। अगर आप ये ढंग नहीं 15 दिन में अपना पाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक, आप एक बार कोशिश करें, 2-3 दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन जैसे ही आपका ये इसमें परफॉर्मेंस ठीक होने लगती है तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही ढर्रे में चलने लगते हैं। ठीक, आपको 1-2 दिन उठने में परेशानी होगी, कभी आप सुबह उठे नहीं हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आपने अपना रूटीन बना लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख रात में 3 बजे ही उठेगी, जो जग जाएगी, आप खुल जाए, आप जग जाएंगे और वो नींद आपकी उधर खुल जाएगी। अब आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केवल रिवीजन करें। तो बुक्स के बारे में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, नई कोई बुक नहीं पढ़नी, जो आपने पहले से बुक पढ़ रखी थी आपको उसी का रिवीजन करना है, हम पहले से बताते आ रहे हैं। बुक्स में केवल आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है, अब अगर बुक नई लेके खरीदेंगे या उसको पुनः चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप 15 दिन में 2-3 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियरिटी है। तो इसलिए आप चैप्टर वाइज बिल्कुल ना पढ़ें, केवल आप चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन जो आप नोट्स बनाया हो उसका रिवीजन करें, बार बार करें तो आप काम बन जाएगा। अब लोग यहाँ पर बात करते हैं पेपर टाइप के बारे में। पेपर टाइप किस टाइप का आता है? पेपर वन लाइन आता है, एकदम वन लाइन क्वेश्चन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पूरे में पूछेगा कि तो पूछेगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, डीएनए, ऑटोनोमस। तो मतलब वन लाइन क्वेश्चन ही आता है इसमें, कोई सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का हो, आपको यहाँ पर वन लाइन क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, यहाँ पेपर टफ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, जैसे कई बार मैथ में मैंने देखा है जो क्वेश्चन 61 पर है वही क्वेश्चन 71 पर है, तो आपको 2 बार नंबर वहाँ पर मिल जाता है।
तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन तो कॉमन हो जाते हैं यूपी कैट में, ये कंडीशन आती है। मतलब पेपर इतना ईजी आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्वेश्चन हाई नहीं लगाना है। अगर आप आईसीआर एग्जाम साथ में दे रहे हैं तो आईसीआर एग्जाम के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बाद में लगाएं, ठीक है, जब यूपी कैट एग्जाम आपका हो जाए तब, ठीक। तो पेपर हंस का सा था हमने आपको बता दिया, पेपर बहुत सिंपल आता है, पेपर टफ नहीं आता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम 3 घंटे में किस पेपर को अटेम्प्ट सबसे पहले करेंगे तो हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग बात करें एग्जामिनेशन हॉल के बारे में, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या करें। अगर आपको टाइम मिलता है तो हमारी प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री बायो के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, सैंपल पेपर, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं। हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बारे में, एग्जामिनेशन हॉल के बारे में। अब एग्जामिनेशन जो हॉल, हम लोग क्या कंडीशन है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या है कि आपको सबसे पहले पेपर कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो एग्जाम में जब भी आप इंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे आपको पहले तो ये है कि आपको जल्दी जाना होगा, जब एग्जाम आपका डेट हो 18 अगस्त में, या फिर एक दो दिन जब भी आपका मान लो पोस्टपोन हो, तब भी अलग पोस्टपोन होगा नहीं, फिर भी आपका जब भी एग्जाम है, चूँकि यूजी का 18 को है, पीजी का 19 को है, पीएचडी का शायद 20 को है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में मैथ्स के पेपर को सॉल्व करें सबसे पहले, और क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है आप उसको छुए नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी बता रहे हैं आपको, ठीक। सबसे पहले मैथ करेंगे, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री पेपर करेंगे, इसके बाद आपको करेंगे फिजिक्स का पेपर करेंगे। अगर मैथ के बाद क्वेश्चन आपको, एक चीज़ ध्यान रहे, आप बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे पहले आपका पेपर दिया गया यहाँ पर जीके का, ठीक है, मान लो जीके जो क्वेश्चन दिया गया है वो 1 से लेकर 20 तक है, 200 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो फिजिक्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, अब फिजिक्स का बच्चा है वो क्या करता है, यहाँ पर 21 से लेकर उसका फिर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 21 पता कितना हो जाएगा 70 तक, ठीक। अब एक बात गलती पता क्या होती है, यहाँ पर गलती ये होती है कि हम पेपर सॉल्व करने लगते हैं मैथ का और भरने लगते हैं जीके नंबर 1 क्वेश्चन में, जब तक 2-3 गलत हो तब तक बाद में अरे ये तो मैथ का यहाँ चला गया। हालांकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि ऑनलाइन में हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये गलती ना हो पाए। ऑफलाइन में ऐसा मोस्टली होता था कि बच्चा क्या करता है, वो सॉल्व कर रहा मैथ का और भरने लगता है यहाँ पर। तो आपको हालांकि ऑनलाइन हम तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हम लोग बाद में वहाँ पर उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कंडीशन भी है, तो बड़ा अच्छा है। तो आप ये ध्यान रहें, इसमें समय बर्बाद ना करें। मैथ में आप क्या करें, 1 से लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें और इसमें देख लें कि आपका मैथ का पोर्शन कहाँ पर है, कितने क्वेश्चन है, आप वहाँ पर उसको टिक करते चले जाएँ। जो क्वेश्चन ना है उसको हटा दीजिएगा, क्वेश्चन को वही अटैम्प्ट करना है जो 100% आपका क्लियर है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छुएंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको आता नहीं, उसमें बिल्कुल भी ताकत ना दिखाएं, जोश ना दिखाएं, कोई मतलब नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप कौन सा पेपर करें, मैथ का। मैथ क्वेश्चन बड़ा ईजी आता है, इसमें 80 क्वेश्चन आपके होंगे, मुझे लग रहा है अगर बच्चे ने थोड़ी भी तैयारी किया है तो आराम से वो 60+ क्वेश्चन कर ले जाता है, इतना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक। केमिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा अगर 40 क्वेश्चन निकाल ले जाएं बहुत आसानी, चूँकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम आती है, ऑर्गेनिक पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बोले एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, प्रोडक्ट टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री रिविजन नहीं करना आपको, फिजिकल में जो पीएच वैल्यू है आपका, मतलब फिजिकल में बहुत ही कम छोटे छोटे सवाल आते हैं, वहाँ से आपको सवाल देखने हैं, बाद में केवल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जम के रटना है, वहाँ से आराम से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। अब आप फिजिक्स में क्या 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जीके में क्या 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा 40-30 कितना हुआ, 140+ पहुंच गया। अगर हमने बोल दिया तो आप कितना नहीं करके आएंगे, अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत स्टडी किया होगा तो मुझे लग रहा है वो आसानी से 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन उसी को सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को वहाँ पर लगाएंगे जो क्वेश्चन हमें 100% आता है। आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग वजह से क्वेश्चन को गलत कभी नहीं करना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप नुकसान उठाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 180 क्वेश्चन करके चले जाते हैं, मैं पूछता इतना क्यों किया, बता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सर देखिए कटेगा 1 मिलेंगे 3, तो हम ज़्यादा में हो गए।
ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन कितना नंबर कटेगा, चार, आप याद रखना ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैथ स्टूडेंट है वो क्या करेगा पेपर, यहाँ पर सबसे पहले मैथ का टाइम करेगा, फिर केमिस्ट्री करेगा, फिर फिजिक्स करेगा। अगर उसके बाद मैथ का जीके क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले जीके टाइम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा इसमें केवल 20 क्वेश्चन को मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि उसमें याद रहेगा कि कोरोना वायरस जो है चल रहा है उसमें शरीर का कौन सा अंग खराब होता है, कौन सा अंग प्रभावित। सीधा आंसर फेफड़ा, बस बात खत्म। लंग्स, लंग्स जो है वो हमारे कैसे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ठीक। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे जो हम, मुझे लग रहा है डेली या पेपर न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर घबराने कोई बात नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन हम कर करके फट से मैथ पर पहुँच जाएंगे, मैथ हम 60 क्वेश्चन प्लस कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, चूँकि टाइम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे में सोचिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा हम लोग कैसे वहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं दर्द को आपके पास इस समय क्या बीतती होगी एग्जामिनेशन टाइम पर ठीक। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको तसल्ली रखना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई है मैथ वाले बच्चे के लिए। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर स्टूडेंट्स हमारा पीसीबी का है, पीसीबी का जो मैं भी स्टूडेंट बायो ग्रुप से रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स पीसीबी का है और ये जीके है वो सबसे पहले बायो पेपर अटैम्प्ट करेगा, उसे कहने की जरूरत नहीं, वैसे ही बायो करता है ठीक, क्योंकि उसे पता है बायो सबसे अच्छी है होती है इसके लिए। और यहाँ पर जो बायो क्वेश्चन है आप कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, मुझे लग रहा है कि अगर उसको, अगर उसने ठीक ठाक पढ़ा होगा तो केवल यहाँ पर 30 मिनट में वो 70+ क्वेश्चन कर ले जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, मैं बता रहा हूँ ठीक। तो आप मुश्किल में आधा घंटे में 30 मिनट में 70+ क्वेश्चन कर ले जाएगा बायो को, चूँकि मैथ में कैलकुलेशन होता है। अब मैथ में बच्चा कैलकुलेशन करेगा, बहुत स्पीड जब होगी तब 60 क्वेश्चन क्रॉस पड़ रहा है। हमारे ऐसे बच्चे रहे हैं अभी तक जो एनडी फैजाबाद में है, कुछ बच्चे सीएसए में भी हैं जो मैथ में 65 क्वेश्चन तक उन्होंने करेक्ट किए हैं, क्योंकि इतना पेपर इजी आता है, देखते क्वेश्चन पता चल जाता है कि मैथ वाले बच्चे का उसमें आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। बायो में आपको तभी पढ़ना पड़ेगा ठीक। तो बायो में हम आधा घंटे में लगभग 70+ क्वेश्चन को करना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितना मिनिमम करेंगे तो आप 40 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 क्यों करेंगे, जो क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा आप उसको नहीं कर पाएंगे, उसको करना भी नहीं, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आ रहा, बार बार कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें, तुक्का अगर लगाएंगे तो बहुत गड्ढे में चले जाएंगे ठीक। तुक्का तब लगाया जाता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और तुक्का तभी लगता है जब आपने अच्छी स्टडी किया है, अगर आपने अच्छे मेहनत नहीं किया है तो तुक्का आपका गलत 100% हो जाएगा ठीक। इसके बाद आप फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 ही करिएगा, 30 पर तुक्का आप नहीं लगाएंगे, केवल 20 करिएगा। आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर आप 70 किया है, 40 किया है ठीक है, 110, यहाँ पर 20, कितने 140 तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। इसके बाद आप जीके कर लीजिए, तो मुझे लगा बायो वाला स्टूडेंट्स आराम से 150 क्वेश्चन तक कर सकता है। अगर आप एक बार एनालिसिस करिए अपने बारे में तो हम आराम से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं ठीक। तो ये चीज़ें हमारी थी पेपर अटैम्प्ट कैसे करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और केवल क्या करना है, केवल आपको रिवीजन करना है, नई भी कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चों ने मार्केट से कोई अरियंत की बुक आती है उसको खरीद लिया है, बच्चे हमारे पास उसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, दिखा देंगे सर ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये बेस्ट बुक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बुक से पढ़ के अगर सिलेक्शन हो जाता तो हम लोग इतना सिलेबस कभी नहीं पढ़ाते ऑनलाइन क्लासेज और टेस्ट सीरीज में ठीक। आपके एक बुक से कभी, हाँ उसमें देखे जाता है कैसे क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन कहीं फंस सकता है कहीं पर उसमें एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आपका एक बुक से पढ़ के सिलेक्शन कभी नहीं होगा ठीक। तो यहाँ पर हमने बात किया था आपके लिए कि इस सारी विषय पर कोई फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो यहीं पर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।